नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बरसों पुराने राम मंदिर विवाद पर विराम लगाते हुए ये जमीन हिंदुओं को सौंपी और उसके बाद भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। तरह तरह की मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है और अब तो ट्रस्ट की भी जिम्मेदारी का बंटवारा कर दिया गया है। और बात राम मंदिर के मॉडल की करें तो राम मंदिर कैसा दिखेगा, कौन सी मूर्ति कहां पर स्थापित होगी, कितना बड़ा होगा, तो अयोध्या के कार सेवकपुरम में राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में प्रस्तावित राम मंदिर का लकड़ी का मॉडल रखा हुआ है। इसे विश्व हिंदू परिषद ने तैयार करवाया है। अब इसी मॉडल की तर्ज पर रामलला का दिव्य और अद्भुत मंदिर बनेगा। इसके बारे में विस्तार से बताएं तो मंदिर 2 मंजिल का बनेगा। राम मंदिर में नीचे प्लेटफॉर्म होगा। मंदिर की लंबाई 268 फीट होगी, चौड़ाई 140 फीट होगी, ऊंचाई 128 फीट होगी। मंदिर में 212 खंबे होंगे। पहली मंजिल में 106 खंबे होंगे जिनकी ऊंचाई 16 फीट 6 इंच होगी। दूसरी मंजिल में 106 खंबे होंगे जिनकी ऊंचाई 14 फीट 6 इंच होगी। हर पिलर में 16 मूर्तियां तराशी जाएंगी। फिर 2 फ्लोर, नीचे रामलला, ऊपर राम दरबार। मंदिर में 2 चबूतरे होंगे। पहला चबूतरा 8 फीट ऊंचा 10 फीट चौड़ा होगा, ये परिक्रमा मार्ग होगा। दूसरा चबूतरा 4 फीट 9 इंच का होगा, उसके ऊपर पिलर लगेंगे। राम मंदिर बनाने के लिए अब तक 1,25,000 स्क्वायर फुट पत्थर अयोध्या लाया जा चुका है। मॉडल के हिसाब से राम मंदिर बनाने के लिए अभी अयोध्या में 75,000 स्क्वायर फीट पत्थर की और जरूरत है। मंदिर की कार्यशाला में काम रुका नहीं है, ये दिनों दिन चल रहा है और अब तो इसकी तेजी और ज्यादा बढ़ गई है। अब तक 1,00,000 स्क्वायर फीट पत्थर तराशे जा चुके हैं, अब 75,000 स्क्वायर फीट पत्थर की जरूरत है, उसे अयोध्या लाना बाकी है। फिलहाल अयोध्या के कार सेवकपुरम में मौजूद कार्यशाला में 5,000 घन फुट पत्थर बिना नक्काशी के रखे हुए हैं। ये राजस्थान से मंगाकर स्टॉक में रखे हुए हैं। मंदिर के निर्माण के लिए जिन चीजों को तैयार कर लिया गया है, अब जरा उसे भी आपको बता देते हैं। मंदिर के भूतल के 106 पिलर्स नकाशी के साथ तैयार हैं। नीचे के बीम के पत्थर पर तराशी हो चुकी है, वो तैयार है। भूतल की दीवार बन चुकी है, चबूतरा भी तैयार है। मंदिर के शिखर को लेकर काम होना बाकी है, मूर्तियों को तराशा जाना भी अभी बाकी है। मंदिर के जो पिलर्स हैं उन पर मूर्तियां तराशे जाने का काम अभी बाकी है। हर पिलर पर 16 मूर्तियां बनेंगी, यानी भूतल पर 106 पिलर हुए तो उस हिसाब से 1,696 मूर्तियां तराशी जानी हैं। इन मूर्तियों को अभी नहीं, कुछ दिन बाद तराशा जाएगा। एक बार जब मंदिर की नींव पड़ जाएगी, काम शुरू हो जाएगा तो तेजी से हर तरफ काम होगा और देखते ही देखते आसमान को छू लेने वाला भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा हो जाएगा। त्रेता में जिस तरह अयोध्या वासियों ने भगवान राम का विराट रूप देखा होगा, कलयुग में भी अब उसी धरा पर श्री राम के सबसे अलौकिक धाम का सृष्टि को साक्षात्कार होने वाला है। अब मान लीजिए कि शुभ घड़ी आ ही गई है। क्या नाम है आपका? सुधीर। सुधीर जी, राम मंदिर सरकार बनाने जा रही है, किस तरीके का मंदिर आप देख रहे हैं? जब विवादित ढांचा गिरा था तो मैं वहाँ था। अच्छा। मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ, मैं वहाँ था। हमारे गांव के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, रामलीला मिश्रा जी, वह जा रहे थे अयोध्या। मुझे भी देश देखने की ललक थी, नया नया नौजवान था, अयोध्या कभी गया नहीं था, तो उनसे कहा कि मैं भी चलूँगा। हाँ, मैं भी चला गया। हाँ। तो 11:35 पर पहला गुंबद गिरा और 12:45 पर बीच वाला गुंबद गिरा और लास्ट गुंबद गिरा था 1:30 के आसपास, 1:30 पे। ये वो टाइमिंग थी। देखिए, उसमें लोग नेताओं को दोष देते हैं ना उसको गिराने में। कोई नेता, सारे लोग नेता कह रहे थे कि मत तोड़ो, नीचे रामलला की मूर्ति है, तुम लोग अपमान कर रहे हो, अपमानित कर रहे हो। कोई नेता पक्ष में नहीं था, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, वहाँ खड़ा था। लेकिन पब्लिक इतनी ज़्यादा थी, इतनी उत्साहित थी और इतनी संख्या थी कि पूरे उसको हमको लगता है कि एक तरफ गिरता गया और एक तरफ उस ईंट को लोग लेके चलते पड़े और मलबा वहाँ बचा ही नहीं। मेरे पास भी 2 ईंट है, ऊपर वाले में चांद तारा बना हुआ है और नीचे वाले में वो चौड़ा ईंट है। मैं देखा था वो उस नज़ारे को, मैं भी उसमें शामिल था। हमको डर नहीं है कि मैं कमलेश तिवारी नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ, है ना, बहुत देखा है यह सब, इसलिए कह रहा हूँ। और जहाँ तक प्रभु राम की बात है तो दशरथ जी कहे नहीं थे कि वन में जाइए, लेकिन अयोध्या से उठ के और सीधे
समुद्र के किनारे पूरे भारत को एक करते हैं, वह अयोध्या से लेके और समुद्र के किनारे वहाँ जाते हैं पूरे भारत को। वो हमारे प्रभुराम सबसे पहले मिलते हैं तो एक दलित से मिलते हैं। देखिए कितना बड़ा हिंदू समाज का मन एक करते हैं वह, कि वह उठते हैं निषाद राजगुरु को गले पहला मित्र बनाते हैं एक दलित को, है ना। उसके बाद से सबरी दलित का जूठा बेर खाते हैं। मने इस भारतीय सभ्यता हिंदू संस्कृति को किस तरह से समेटते हैं, जो 70 साल से एक कांग्रेसी जो कहते हैं कि राम इज डज नॉट एग्जिस्ट, वह हमारे प्रभुराम हमारे हिंदू समाज को किस तरह से संयमित करते हैं, किस तरह से जोड़ते हैं। उनको उस आदर्श महान व्यक्तित्व का अगर भव्य राम मंदिर बन रहा है, जिसमें मैं अगर तोड़ने में था तो बनाने में पक्का जाऊँगा, है ना, तो कितने खुशी की बात है, इसका जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री को राम मंदिर के लेकर के सही दिशा में काम करें कैसा मानते हैं? देखिए प्रधानमंत्री, हम एक बात बताइए, अरे राम सिर्फ राम मंदिर की बात क्या करते हैं यार, हमारे संस्कृति को वो 42 देशों में योग को पहुंचा चुके, इस्लामिक देश में ले जाके मंदिर बनवा दिया भगवान शंकर का, अब क्या चाहिए आपको? वह आदमी न केवल भारत में, दुनिया में ले जाके आपका आपके सभ्यता और संस्कृति का झंडा गाड़ रहा है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? पाकिस्तान के विपक्ष प्रधानमंत्री की बेटी के शादी में गया बिना निमंत्रण। विपक्ष जो है इसका विपक्ष, तो क्या हो गया विपक्ष, ये क्या हुआ है? खुशी की बात, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श है। आदर्श जी, मंदिर को बनाने के लिए कल जो है ट्रस्ट की घोषणा की गई है, ट्रस्ट को कुछ सुझाव देना चाहेंगे मंदिर निर्माण को लेकर के? ट्रस्ट को तो कुछ सुझाव नहीं देना चाहूँगा, लेकिन राम मंदिर का जो निर्णय है ये पिछली 9 नवंबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एक हाथी निर्णय लेते हुए स्पष्ट बहुमत से यह निर्णय पारित हुआ कि अयोध्या में जो अनेक कई वर्षों से एक हिंदू मुस्लिम का प्रारूप ले चुकी यह लड़ाई, इसका समाप्त माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया और निर्णय दिया कि यहाँ पर होगा तो केवल प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर होगा और बाकी की बची हुई 5 एकड़ जगह यह दूसरे पक्ष को भी दी। इतना बड़ा निर्णय होने के बाद में इस देश के संपूर्ण हिंदू समाज ने इस निर्णय को आत्मसात किया और एक पटाखे तक नहीं फोड़े कि हमारे दूसरे मुस्लिम भाइयों को इसका मतलब दुख ना हो। लेकिन आज हम देखते हैं NRC और CAA के कारण, इस किसी एक विशिष्ट समाज का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन पूरे देश में आग लगा चुके हैं ये लोग। लेकिन हम राम मंदिर के लिए हमारे लाखों हिंदुओं ने अपनी जान दी, निर्णय आने के बाद में इतना अति उत्साहित थे हम लोग कि हमको लगा कि जश्न मनाना चाहिए, लेकिन केवल हमारे मुस्लिम भाइयों को दुख ना हो इसलिए हमने जश्न भी नहीं मनाया और एक सिंगल पटाखा भी नहीं जलाया। और रही बात आपने कहा राम मंदिर ट्रस्ट की, तो राम मंदिर ट्रस्ट में जैसे कि हमने देखा कि जो केस लड़ रहे थे के परासारम जो अपने जो वकील थे इतने वर्षों से जो यह वरिष्ठ वकील 92 ईयर्स के, वो उन्हें इस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं मोदी जी को अभिनंदन देता हूँ कि सही मायने में इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने स्टैंड लिया ऐसे व्यक्ति को उन्होंने अध्यक्ष बनाया और उनकी कमेटी में पूरे साधु संतों को और हमारे जो इस देश के जो सही मार्ग दिखाने वाले ऐसे साधु संतों को इसका मेंबर बनाया और आने वाले समय में अयोध्या में भव्य प्रभु श्री राम जी का मंदिर होगा। हम लोग देख रहे हैं गगनचुंबी भारत के सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्र के रूप में और आस्था के प्रतीक ऐसे श्री राम जी का मंदिर का निर्माण वहाँ पर होने वाला है, जो रामलला पिछले कई वर्षों से त्रिपाल में बैठे थे, आखिरकार सभी हिंदुओं का सपना पूरा होगा और रामलला भव्य ताट बाट से वहाँ पर विराजित होंगे। मानते हैं कि अगली बार जब चुनाव होगा तो मंदिर हमेशा BJP की तरफ से मुद्दा रहता, तो अब मुद्दा विकास होगा और रोजगार होगा? मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर यह कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, मंदिर यह करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं की और आस्थाओं का मुद्दा रहा है। इसे विरोधी पार्टियां जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है इन्होंने केवल राजनीतिक मुद्दा बनाया, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मंदिर के साथ थी है और रहेंगी। दिल्ली का भी का, मेरा नाम दिलीप सिंह है जी। राम मंदिर बनाने जा रही है सरकार, राम मंदिर को लेकर कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप ट्रस्ट को? हाँ जरूर सुझाव देना चाह रहे हैं। राम मंदिर तो बनना एकदम हमारे धर्म के बहुत पुण्य का काम हुआ है, और दूसरी बात यह है कि जो हमारे मोदी जी को जो बोल रहे हैं ना लोग कि बहुत ये किए वो किए, लेकिन ऐसा बात नहीं, मोदी जी जो भी किए वो देश के लिए बहुत महान काम कर चुके हैं। हम मंदिर की बात करें तो मंदिर को सुनिए हाँ मंदिर की भी बात मैं बता रहा हूँ, मंदिर जो है वो हमारे धर्म के लिए तो बिल्कुल सच ही सच है, और जो लोग मंदिर के खिलाफ जो जा रहे हैं और ऐसे जो अकुबा उठा रहे हैं वो गलत चीज़ है। वो
किस रूप में मंदिर को देखते हैं आप, किस भव्यता से देखते हैं? हम श्री राम का मंदिर को देखना चाहते हैं और सारे देवताएं हमारे जो पूजनीय हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ। क्या लगता है पीएम मोदी सही दिशा में काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहे हैं, उसमें दो मत है नहीं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो चुनाव के पहले लोकसभा में इसके ट्रस्ट की घोषणा की गई है मंदिर बनाने के लिए, तो इसको चुनाव से दिल्ली चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं, तो क्या इसको कहना? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग ऐसे बोल रहे हैं ना वो गलत बोल रहे हैं, वो अपना हिसाब से जो भी कर रहे हैं अच्छी कर रहे हैं। ये तो चुनाव मुद्दा पर लोग ला रहे हैं ऐसी बात, ये तो मंदिर को इस चुनाव से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो चुनाव आते रहेगा जाते रहेगा, उसे ट्रस्ट का और मंदिर का क्या मतलब है?